और उस समय बिना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई नोटिस सर्व किए, देखिए प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ, बिना उसको फॉलो किए पुजारी अंदर है और बाहर से आप बुलडोज़र चलाना शुरू करेंगे, ये एक इनसेंसिटिव कंडक्ट अधिकारियों का दिखाता है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि सरकारी तंत्र सेलेक्टिवली अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करेगा तो मुझे लगता है कि जम्मू संभाग का जो आम जनमानस है उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारे आपके सामने ऐसे तथ्य हैं जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड्स हो, रिवर बेड्स हो, अपनी स्टेट लैंड्स हो, वहाँ पे तमाम कम्युनिटीज़ के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इलीगली बिल्ट हैं, लेकिन उसमें भी आप सेलेक्टिव कार्रवाई करेंगे। इस सरकार की ये वैसे ही सेलेक्टिव कार्रवाई है जिस तरीके से सेलेक्टिवली 47 के बाद सरकारों ने सिर्फ मंदिरों और मठों को टेक ओवर करने का काम किया। सरकार के पास ताकत है संविधान में कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन को वो टेक ओवर कर सकती है, लेकिन हिंदुओं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ही टेक ओवर करना सरकार ने अपनी प्राथमिकता रखी। मैं इसी संबंध में आपके माध्यम से पूरे जम्मू संभाग के लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि माता वैष्णो देवी श्राइन के संबंध में जो सरकारी नियंत्रण खत्म करने के लिए हमने याचिका दायर हाईकोर्ट में की है, उसमें भी इस समय की भाजपा सरकार का यही है कि नहीं, हिंदुओं के मंदिरों का कंट्रोल सरकार के पास ही रहेगा। तो एक अनफॉर्चुनेटली सेलेक्टिव टारगेटिंग करना एक समुदाय विशेष के लोगों की, और आपके सामने ये प्रमाण है, और इतने इनसेंसिटिव होना कि अखंड ज्योत जलते हुए विध्वंस का ये काम करना, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के इस अनुचित रवैये के प्रति लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से अनुचित कदम सरकार हमारे खिलाफ उठा रही है, सेलेक्टिव टारगेटिंग कर रही है। हाँ ठीक है, गलती मानने के बाद, प्रेशराइज होने के बाद अभी आश्वासन दिया गया कि मंदिर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, एक समयबद्ध तरीके में अगर अपनी ये आश्वासन को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड पे तो उसका हम भी स्वागत करेंगे। अगर मामला इस समय मैनेजमेंट कमेटी की सेटिस्फेक्शन और जो लोग यहाँ पे माथा टेकने आते थे उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से रिजॉल्व हुआ है, सरकार ने कोई आश्वासन दिया है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है कि एक समयबद्ध तरीके में मंदिर का पुनर्निर्माण जो है वो शुरू होना चाहिए, और जैसे ही मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू होता है एक समयबद्ध तरीके में ये खत्म भी होना चाहिए। अन्यथा यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद और जिस तरीके का गुस्सा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति हिंदू समाज का, हिंदू कम्युनिटी का इस टारगेटेड अटैक के संबंध में बन पड़ रहा है, मुझे लगता है कि उसे संभालना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल हो जाएगा। सेलेक्टिव हिटिंग, सेलेक्टिव टारगेटिंग आतंकी कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ से गए हुए लोग जो कश्मीर में सर्व कर रहे हैं उन्हें धर्म के नाम पर गोली मार रहे हैं, और आज आप सेलेक्टिवली धर्म को आधार बना के मंदिरों पे हमला कर रहे हो। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इनसेंसिटिव है कि पुजारी अंदर लेटा है, अखंड ज्योत जल रही है, आप बुलडोज़र चला रहे हो, ये कभी भी इस गलत जल रही है आप बुलडोज़र चला रहे हो, ये कभी भी इस गलत फहमी में आप मत रहिए कि इसे टॉलरेट किया जाएगा। हिंदुत्व का राग अलपाने वाले जो संगठन और राजनीतिक पार्टियाँ हैं आज उनके मुँह में जो दही जमा है वो ये साबित करता है कि हिंदुत्व की राजनीति केवल राजनीतिक फायदे और राजनीतिक कारणों से ही वो करते हैं। अंकुर जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठा कि जो सड़क यहाँ पर निकाली जा रही है, कुछ लोग जो हैं कंस्ट्रक्शन उनकी पीछे चल रही है, बड़े ठेकेदार हैं, उन्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ से सड़क जो है वो निकाली जा रही थी, जिस कारण ये पूरा मामला हुआ, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये सरकार और ये एडमिनिस्ट्रेशन है ताकतवर के हाथ में बिकी हुई है, वो तो आपके सामने स्पष्ट है, बहुत सारे तथ्य आपके सामने हैं। रिक्रूटमेंट स्कैम्स, आज आपकी रिक्रूटिंग एजेंसीज जो हैं वो रिक्रूटमेंट माफिया का काम करती हैं, तो वो तो तथ्य आपके सामने हैं ही। हमारी तरफ से यही है कि इस मामले की व्यापक जांच होनी चाहिए, क्यों ये तोड़फोड़ हुई, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ निजी व्यक्तियों को फ़ायदा देने के लिए, सड़क निकालने के लिए तोड़फोड़ की गई, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। वो अधिकारी जिन्होंने इनसेंसिटिव तरीके से एक हमला बोला मंदिर पे, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जांच का इंतजार हमें करना चाहिए, जो दबाव सरकार पर बनाने की आवश्यकता है, हमें सरकार पर दबाव ये बनाने की आवश्यकता है कि आप एक जाँच कमेटी गठित करिए, क्या इंटेंशन थी ये कार्रवाई करने के पीछे, सोच क्या थी, मंशा क्या थी, और मुझे लगता है कि फिर उक्त दंड जो है वो अधिकारियों को दिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार की संलिप्तता भी इसमें शामिल नजर आएगी कि बड़े बड़े स्कैम तो मिलके तुम करते हो, बड़े बड़े ठेके, 1000 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, चाहे वो वाइन शॉप्स बांटने का ठेका हो या माइनिंग के लाइसेंसेज बांटने का ठेका हो, छोटी छोटी चीज़ों में भी हाईएस्ट लेवल पर दलाली खाते हो। अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे इन अधिकारियों के खिलाफ तो मुझे लगता है कि इसी तरीके के कुछ कंक्लूजन जो हैं वो आम जनता निकालने को मजबूर हो जाएंगे।